एक्शन होता हुआ आपने मैंने ये फैसला किया है कि एक्शन होगा मैं प्रैक्टिकल आदमी बातें सब रिजल्ट है वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक के मंजूर वसान के हमरा कराची के फजाई दौरे ने 80 की दहाई की टीवी सीरीज एयर वुल्फ की याद ताज़ा कर दी। जमीन पर कोई दहशतगर्द नजर नहीं आ रहा, चलो फिजा से तलाश करते हैं। इसी ख्याल के तहत उन्होंने मुतासरा और गैर मुतासरा इलाकों का फजाई दौरा कर डाला। यूं तो सियासतदान सिर्फ खिताब करते हैं और आवाम नारे लगाते हैं, लेकिन रहमान मलिक सुल्तानी टाउन गए तो वहां उन्होंने खिताब के साथ नारे भी खुद लगाए। रहमान मलिक ने कहा कि हुकूमत तमाम वसाइल इस्तेमाल करके कराची में अमन अमान कायम करेगी, सुल्तानी टाउन के लोगों को मुकम्मल तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। उलमा के वफ़द ने भी वफाकी वज़ीर से मुलाकात की, जिसके बाद निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी के सरबराह हाजी हनीफ तैयब ने मीडिया को बताया कि मुल्क के दीगर हिस्सों से कराची आकर अमन बर्बाद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो ड्रग माफिया का एजेंट है, जो आदमी लैंड ग्रैबर है और जो भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आकर यहाँ पर फसाद बरपा कर रहा है, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि अमन अमान के क्याम के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। हम किसी सूरत में कोई कम्प्रोमाइज, आई एम यूजिंग द वर्ड नो कम्प्रोमाइज ऑन द पीस एंड हार्मनी ऑफ कराची, इसके लिए हम कोई चीज भी कुर्बान कर सकते हैं और किसी भी सूरत में इन टेररिस्ट को, इन शरपसंदों को, इन माफियाज को किसी सूरत भी हम माफ नहीं करेंगे। सूबाई वजीर दाखिला मंजूर वसान ने कहा कि क्याम अमन के लिए बातें कम और एक्शन ज्यादा जरूरी है। रेस्टोरेशन ऑफ पीस जो है उसके लिए हम नई एक्शन लेंगे, लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन क्या होता है कि पहले न बताया जाए, और मैं बताता कम हूँ, एक्शन करके ही इंशाल्लाह अमन और सुकून कराची को देखना चाहेंगे। कराची में 3 दिन साथ खैरियत से गुजरने पर वफाकी और सूबाई वजीर दाखिला खुश दिखाई दिए। मोहम्मद शहजाद अली, ARY न्यूज़।